तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे TTML को लेकर के, और इस स्टॉक के अंदर देखा जाए स्टॉक हमेशा क्या कैसे मूव करता है ऊपर की तरफ। पहले स्टॉक क्या होगा, हमेशा ऊपर की तरफ मूव करेगा, भागेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ भागा, फिर स्टॉक नीचे गिरा, फिर एक रेंज क्रिएट करता है, फिर स्टॉक ऊपर भागता है, फिर स्टॉक नीचे गिरेगा, फिर एक रेंज क्रिएट करेगा, फिर स्टॉक ऐसे करके भागते रहता है, ठीक है। तो ये चार्ट पैटर्न मतलब सेम चीज़ कई बार दोहरा चुका है स्टॉक, सेम उसी प्रकार से अभी भी यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। स्टॉक पहले ऊपर गया है, ठीक है, पहले ऊपर गया, फिर स्टॉक नीचे आया। अब स्टॉक एक रेंज क्रिएट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट हो रहा है एक प्राइस में, ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करे। कहाँ पे ये सपोर्ट निकल करके आ रहे हैं, 92 रुपये के प्राइस में स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अगर सपोर्ट यहाँ से लेता है स्टॉक ना, तो आपको अच्छा रिटर्न भी निकाल करके दे सकता है। पहला टारगेट ये 104 रुपये का, और इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है स्टॉक, तो काफ़ी शानदार रिटर्न आपको बना करके दे सकता है। सेम इसी प्रकार से स्टॉक भागता रहता है, ठीक है। इसी प्रकार का आप पैटर्न देखोगे इसी स्टॉक के अंदर। तो अभी करंटली क्या हो सकता है स्टॉक अंदर, ठीक है। अगर हम इधर कहीं एंट्री लेने के लिए सोच रहे, डिफरेंटली इधर कहीं भी, जैसे कि ये जो रेड वाला कैंडल का लास्ट पॉइंट है 94 रुपये, ठीक है, इस लेवल में अपने नज़रों में आकर के रखा जा सकता है। या फिर अगर आप करंट प्राइस में एंट्री लेते हो, ठीक, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 95 रुपये का। अभी करंट में चल रहा है 96 रुपये, 95 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए। या फिर आप ये भी स्टॉप लॉस 94 रुपये का लगा सकते हो, अगर स्टॉक नीचे के लेवल पर जाते हैं तो एग्जिस्ट कर लेंगे, हम बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देता है, यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता है, तो फिर आपका सबसे पहले टारगेट ये रहेगा 105 रुपये का, यानी 9% का रिटर्न, उसके बाद 13% का रिटर्न, और इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद अच्छा खासा रिटर्न आपको बना करके दे सकता है स्टॉक। मैक्सिमम टाइम कितने बार का रिटर्न आपको बना करके दिया है ये स्टॉक, अगर हम देखें तो जब इस लेवल से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, तो फिर आपको इतना सबसे पहला ये 10%, उसके बाद फिर 29-30% का रिटर्न बना करके दिया। आप पहले भी इस प्रकार से रिटर्न कंपनी ने बनाई है, जैसे कि ये लेवल से हम देख सकते हैं, ये यहाँ से स्टॉक बॉटम बनाया हुआ था, और फिर स्टॉक एक लंबा कैंडल बनाया 34% का। तो मैक्सिमम चांस क्या है, 30% तक का रिटर्न आपको इजीली वे में मिलने का इस स्टॉक के थ्रू, ठीक है। अगर ये स्टॉक ना, अगर मान लेते हमने इधर कहीं एंट्री लिया, या इधर आके स्टॉक लॉस हिट हो जाता है 94 रुपये के प्राइस में, और स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश करता है 90 रुपये के प्राइस में, डेफिनेटली अगर 90 रुपये के प्राइस में स्टॉक लॉस लेता है, तो फिर आपको ये 87 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो हमारा 4% का हम रिस्क लेंगे, तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट होने का हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी, हमें 14% का रिटर्न आराम से मिल सकता है। तो इतना तो रिस्क लेना ही होगा, लेना ही चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है, ना कि बाय और सेल करने के लिए। अगर आप बाय और सेल करते तो आप अपने रिस्क और बाय और सेल करके चल सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के बाय और सेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।